भारत हमारा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट रिपब्लिक इंडिया है। इस भारत की जो कल्चरल, रिलीजियस, सेकुलर और ह्यूमैनिटी पर जो बात है वो पूरे जगत में इसकी बड़ी अहमियत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान हमको मिला है उस संविधान के एक एक करके आज आर्टिकल बदले जा रहे हैं। इसी बात के सामने रखते हुए जिन लोगों ने संविधान का शपथ लेकर, उसकी कसम खाकर, उसको रक्षा करने की शपथ लेकर पार्लियामेंट में और असेंबली में पहुंचे, वो आप पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंचकर एक एक करके उसके राइट्स को खत्म करते चले जा रहे हैं। तो इस बात को लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये बसो कल्याण नहीं बल्कि पूरे कर्नाटका के लिए ये संदेश जा रहा है। बसो कल्याण से इसका आरंभ हो रहा है जिसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े अहम स्पीकर्स आ रहे हैं। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि 26 जनवरी को शाम चार बजे से लेकर 8 बजे तक अकाम महाविद्यालय ग्राउंड पर आप तशरीफ लाएं। महमूद पराचा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही अजीम लीडर, बहुत जबरदस्त उसके अंदर फाइट करने वाले हैं, जो आदिवासी लोगों से जुड़े वाले हैं, माइनॉरिटीज से जुड़े वाले हैं और दलित से जुड़े वाले हैं, वो स्पीकर वहां पर खिताब करेंगे। और साथ ही साथ सिद्धरामैया जी जो बहुत जबरदस्त इस वक्त कर्नाटका ही नहीं हमारे कर्नाटका का शेर है, वो जिस तरह से जो पूरी तरह से सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट में और विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, वो आइंदा की आवाज है। लिहाजा हम इनकी बात को सुनने के लिए, इस संदेश को जानने के लिए वहां उपस्थित रहेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस प्रोग्राम को शरीक होकर अपना ताउन देकर इसमें कामयाब करने की अपील करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।